तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम को समझते हैं कि लागत लेखांकन की प्रणालियाँ क्या है, सिस्टम क्या है। तीन सिस्टम है, एक तो आता है हिस्टोरिकल और एक्चुअल कॉस्टिंग, दूसरा आता है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग और तीसरा आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये हिस्टोरिकल और एक्चुअल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये हुआ, हिस्टोरिकल और एक्चुअल कॉस्टिंग, यहाँ पे देखिए दो वर्ड यूज़ करा हो, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहे तो भी और एक्चुअल कॉस्टिंग कहे तो भी। ये ऐसी कॉस्टिंग है जो खर्चा करने के बाद डिराइव की जाती है। मतलब ये हुआ कि आप पहले खर्च कर लो, जैसे आप ये मार्कर बनाना चाहते हो तो मार्कर पहले बना लो, बनने के बाद कि भाई मार्कर पे कितना खर्चा हुआ, चलो टोटल लगाते हैं, तो ये होती है एक्चुअल कॉस्टिंग। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मार्कर का मैंने आपको बताया, वैसे मकान बनाने का है तो मुझे मकान बनाना है, मुझे पता नहीं चल रहा है कॉस्ट कैसे डिराइव करूं, तो मैंने क्या हुआ, मकान मैंने बना लिया कंप्लीट, कंप्लीट करने के बाद मैंने हिसाब किताब किया और पता किया कि इसका एक्चुअल कॉस्टिंग कितना हुआ। इसका मतलब जो खर्चा हो चुका है उसको हम टोटल करते हैं, वो कर लेते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग। ये वर्ड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग भी इसमें यही कह रहा है कि हिस्टोरिकल मतलब यहाँ पे हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा था एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, अभी मैं जो टेंडर प्राइस आप लोगों को समझा रहा था, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग वाला एस्टिमेट्स लगाते हैं कितना खर्च होने वाला है, मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, मतलब ये भूतकाल की बात करें भविष्य, मतलब पास्ट एंड फ्यूचर दोनों की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में पास्ट की बात करते हैं कितना हो चुका है, और एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में फ्यूचर की बात करते हैं कितना होने वाला है। कोई भी जैसे टेंडर प्राइस आपको बताया कि रोड बनाने में कितना खर्च होगा, तो कितना होगा यहाँ बात करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्टिंग के बेस पे। तो एस्टिमेटेड कॉस्टिंग के बेस पे, इसके बेस पे ही टेंडर प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड हम तय करते हैं, आधार तय करते हैं कि हमारी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो ऑयल का प्रोडक्शन करती है, जैसे सरसों के ऑयल का प्रोडक्शन करती है, तो सरसों के ऑयल का प्रोडक्शन करती है तो हमको पता होना चाहिए कि सरसों का तेल निकालने के लिए, एक लीटर सरसों के तेल के लिए हमको कितनी सरसों, कितनी किलो सरसों लगने वाली है। तो अगर हमने ये तय कर दिया कि 3 किलो सरसों से 1 लीटर तेल निकल जाएगा, ये इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड तय हो गया कि 3 किलो सरसों डालने से 1 लीटर आपके सरसों का तेल निकल जाता है। ये स्टैंडर्ड्स हम पहले तय करते हैं। स्टैंडर्ड्स के साथ में एक्चुअल को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर। ध्यान से सुनना आप लोग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, स्टैंडर्ड्स के साथ में एक्चुअल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जो भी डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं वेरियंस। और वेरियंस आपके पॉजिटिव भी आ सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, और एडवर्स भी हो सकता है। तो ये होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये हमने समझा लागत लेखांकन की प्रणालियां। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, चीजें बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाए कि ये क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, फिर हम एक एक टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा सिंगल लेक्चर हम लेके उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ने वाले हैं।